हाँ नहीं उनके लिए बस वही मतलब मैं तो नहीं मैं आ गया हूँ बट क्या है इस वक्त मैं नर्वस आ रहा हूँ. पिक्चर अभी अभी ख़त्म हुई है, पहली प्रॉपर स्क्रीनिंग थी. बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सबको पसंद आई. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक अबाउट द फिल्म फॉर मी विदाउट टॉकिंग इन डिटेल अबाउट उनको क्या क्या पसंद है. वो मैं चाहूँगा लोग सिनेमाघर में जाकर देखें. बट शुरुआत अच्छी है हमारे स्क्रीनिंग की. आप सब आते रहोगे और रिएक्शन लेते रहोगे तो आप तो सब मुझे बता देना अगली स्क्रीनिंग के बाद क्या रिएक्शन है. जी जी नहीं यार, मेरे दोस्त जैसे वरुण जो मेरा दोस्त है उसने औरंगजेब देखी थी और उसने कहा था यार मुझे नहीं लगता ये वाली पार हो पाएगी. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड बी एज फ्रेंड्स. मेरे फैमिली मेम्बर्स भी दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री इन जनरल यू कैन सेंस, आपको एक सेंस मिलता है अगर वो कहे या ना कहे. ज़्यादातर अगर पिक्चर अच्छी नहीं लगती तो ख़त्म होते ही सब गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं. अगर सच में पसंद आती है तो आपके साथ दो पल बिताते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें क्या क्या पसंद आया. यार आई ऑलवेज बिलीव हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट द फर्स्ट फ्यू डेज हैपन. ऑब्वियसली आई एम हैप्पी पीपल आर लाइकिंग इट, मतलब हम सही डायरेक्शन में. कितनी डायरेक्शन सही है वो होपफुली 1 अप्रैल को पता लगी जाएगा. नो देर इज़ नो आई कैटरीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो अगर मैं उनको मिलने चले जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ उनके साथ. बट नो द ओनली फिल्म आई एम डूइंग इज हाफ गर्लफ्रेंड. सी यू गाइस, थैंक यू.